अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रहमान अवान और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशन इंजीनियरिंग सर्विसेज। नाज़रीन, आज हम एक फैक्ट्री में मौजूद हैं जहां पर मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। मियां अहमद दीन साहब मौजूद हैं हमारे साथ और भाई जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका यहां पर मटेरियल इस्तेमाल होता है, यानी वो दाना जो मशीन में डलता है और आगे पॉलीथीन जो बैग है वो बनते हैं। और मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मशीन सेल्स करते हैं, इनसे मशीन के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इनसे इनका जो मटेरियल है उनके हवाले से, और जनाब से जो शापर बनता है यहाँ पे पॉलीथीन बैग बनते हैं उस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं या फिर मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को, और अगर आप मशीनें ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इस हवाले से भी मज़ीद गाइड कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जनाब ये बताएँ कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका मशीन के बाद? हमारा एक्सपीरियंस जो है वो 45 साल का है समीका का। हमारी फैक्ट्री में समीका निकालते हैं, सैपल निकालते हैं, और अल्लाह पाक की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मियार अच्छा माल बनता है। जिंदाबाद। अच्छा, जो लोग कोई मशीन ख़रीदना चाहते हैं और डरते हैं कि हम कारोबार करेंगे लॉस हो जाएगा, सर दर्द होगी, लेबर कहाँ से आएगी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे मियाँ साहब? देखो जी, ये तो नसीब की बात है ना, तो जब आदमी शुरू करेंगे तो फिर नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शापर में अगर प्रॉपर तरीके से इसको गाइड किया जाए, चलाया जाए, तो इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। शुक्रिया जी। अच्छा जनाब शबीर साहब, बताएं कि जो दाना बनता है वो किस तरह से बनता है और आगे इसका क्या प्रोसेस है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, शॉर्टकट बात ये है, ये मेरी लैब है, यहाँ पर मैं सबसे पहले उसको सैंपल निकालता हूँ, फिर मैं आगे दूसरे बंदों को जो है ना वो फॉरवर्ड करता हूँ। ये मेरी लैब है, यहाँ पे सैंपल निकाल के फिर मैं आगे सप्लाई करता हूँ। ठीक है जनाब, ये बताएं कि काम कैसा चल रहा है मशीन के? काम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त है। जिंदाबाद। लोग डरते हैं कि हम अपना कारोबार करें या मशीनें बड़ी महंगी हैं, ख़रीदेंगे लॉस हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है तो उनको ये मशीनें चलती दिखाएँ कि ये ऐसे क्वालिटी बनती है, माल चल रहा है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। रही बात कारोबार की, नुकसान या नफ़ा वो तो किस्मत की बात है ना, काम तो बंदे को करना चाहिए, काम करके निज़ाम चलेगा ना। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि अगर कोई एक मशीन ख़रीदता है उसको कितने बंदों की ज़रूरत पड़ती है और किस किस तरह से? एक यूनिट है उसका तकरीबन 6 बंदों की ज़रूरत होती है। हाँ, दिन नाइट में चलते हैं और तीन जो दिन की ड्यूटी में चलते हैं। नाला अगर सही तरीके से बिल वगैरह कंट्रोल में पहले यूनिट चल रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि रोटी अच्छी खासी अल्लाह पाक देता है।